ये मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर 8 दिन से चल रहा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन बना। मऊरानीपुर स्थानीय शासन प्रशासन के लिए सरदर्द। जानकारी के अनुसार अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे लोगों की अचानक तबीयत खराब होने से मऊरानीपुर स्थानीय शासन प्रशासन में हड़कंप मचा। मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा उपचार कराया गया, फिर भी बैठे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन धरना पर। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों बैठे हैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं और पुरुष, क्या थी मजबूरी? सुनिए उन्हीं की जुबानी क्या कहते हैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे पुरुष और महिलाएं। क्या नाम आपका? हलकीराम। यहाँ पर आप कितने दिन से बैठे हैं आमरण अनशन पर? आज 8वां दिन है, 9 तारीख से बैठे हम। अभी तक कौन कौन से अधिकारी आपके पास आए हैं? कोई नहीं आओ, कोई अधिकारी नहीं आओ। डॉक्टर साहब आए थे केवल। डॉक्टर साहब आए? तबीयत खराब है क्या किसी? क्या कहा डॉक्टर साहब? तबीयत खराब है। चेक किया डॉक्टर साहब ने? चेक करो लो, आ गए थे फिर जो आ गए दवाई ले कर फिर आ गई। अभी प्रशासन अधिकारी कोई नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं आ रहा। कितने लोग बैठे हैं आमरण अनशन पर? इतने बैठे थे 58 जने हैं सब लोग। तबीयत कितने लोगों की खराब है? दो जन की है। आज मैं इसे बैठ भाई साहब के हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे, इनने जमीन छुड़ा लाई, हमारे गेट दरवाजे बंद कर दिए और आए दिन इनके गुंडा जाते हैं और जे भी जाते हैं, गालियां बुरी बुरी बकते हैं। हम मेहनत मजूरी करें कि अपनी बंगन बेटियां ना रखा। कहां गए हैं आप? ये वेयर हाउस के पीछे जयंती पर। कौन लोग हैं जो आपके साथ ऐसा करते हैं? जे राय है कि बब्बू वीरेंद्र राय है, बब्बू खड़े, शरद खड़े। इसकी शिकायत नहीं की आपने? हां, बहुत दिन से शिकायत कर रहे हैं, उनकी सुनाई नहीं हो रही साहब। उल्टी और हमें दबोच दे रही पुलिस ना बे। पुलिस भी जा रही हम लोगों के पास अदालत में। पुलिस क्या कहती है आप लोगों? पुलिस कहती है कि तुम राजीनामा कर लो, तुम्हें इसमें क्या धरोगी, मर जाओगी उनके संग। आप कब तक बैठेंगे हम? आप जब तक बैठेंगे, चाहे हम मरेंगे चाहे हमारे बच्चे मरेंगे, हमें इसका न्याय चाहिए, उन्हें बंद होना चाहिए। अभी तक आपके पास कोई आया है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आया। कोई अधिकारी नहीं? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। अब FIR लिखी है, FIR थाने से नहीं थी उन्होंने अभी तक। और उल्टे भी कहती है कि हमारे पास आओ थाने, तुम क्यों नहीं आती हो, तुम हमसे कागज ले जाओ, जे कर जाओ वो कर जाओ। किस चीज को लेके विवाद है ये पूरा? जमीन का विवाद है, हमारी जमीन छुड़ा ली, हम कछुआरों करती। जमीन थी भूमधरी, हमारी जमीन है, भूमधरी जमीन है, 20-25 आदमी को परिवार है, हमारी सिर्फ यही जमीन है। उस जमीन पे क्या बन गया अभी? इनने बाउंड्री बना ली थी और जो घर मकान हम रहते हैं उनके गेट बंद कर दें।